मैं हूँ नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। झांसी बुंदेलखंड की सड़कों पर टैक्सी चलाने वाली अनीता चौधरी की हिम्मत और जज्बे को सलाम। झांसी डीआईजी जोगेन कुमार महिला की टैक्सी में बैठकर न केवल सड़कों पर घूमे बल्कि उन्होंने पुलिस बल के साथ महिला का सम्मान भी किया। साथ ही उन्होंने आज की नारियों को अनीता की हिम्मत और जज्बे से प्रेरणा लेने का काफी संदेश दिया। पुरुषों को टैक्सी चलाते हुए देखा था, लेकिन इन दिनों अनीता भी पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए टैक्सी चलाते नजर आ रही है। रिपोर्टर भूपेंद्र सिंह परिहार की रिपोर्ट। बहुत ख्याल ही थैंक यू। ये महिला थाना अध्यक्ष है यहाँ पे विनता सार्थी नामा डायल पैस कहाँ है तुम्हारी? स्वागत के लिए कुछ रखा नहीं रखा? माला दो मैडम को चलाओ। आइए आप लोग अब करिए स्वागत। सर ने वहाँ किया है इनका स्वागत करिए। विनीता जी का लग है ना इस तरह मैडम मैडम फिर आप भी आ गए। पता तो चले कि आप लोग सब आए हैं पहली बार महिला थाने। जो हमारा फेज थ्री चल रहा है शासन की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसी के एक चरण में जो स्वावलंबी महिलाएं हैं और स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं और विशेष रूप से ऐसे रोजगार और स्वरोजगार अपना करके जो कभी पुरुषों के माने जाते थे, ऑटो चलाने में विनीता चौधरी जी फर्स्ट महिला है झांसी की और मेरे हिसाब से बुंदेलखंड की भी जी। जो ऑटो चला रही हैं और अपना स्वावलंबन और कर्ज लेके ऋण लेकर के और ऑटो चला रही हैं और उसका कर्ज भी भर रही हैं, साथ ही साथ अपने परिवार को पाल रही हैं। इन्होंने बहुत समय तक और रोजगारों में भी कोशिश की, लेकिन इनको लगा कि स्वरोजगार सबसे इम्पोर्टेंट है और हम स्वयं अपना रोजगार अपनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। पिछले 9 महीने से जैसा ये बता रही हैं कि हम इस ऑटो चालक व्यवसाय में हैं। शुरुआत में इनको दिक्कतें आई क्योंकि यह ऐसा व्यवसाय था जो पुरुषों का द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय माना जाता था, लेकिन महिलाओं को ऐसे व्यवसाय में आने से हम लोगों का, समाज का और पुलिस विभाग का भी दायित्व बढ़ जाता है कि उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है और उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है हमारी टीम है। जो हम तो यह कहना चाहेंगे कि विनीता की सवारी सबसे सुरक्षित सवारी और ये पुलिस की जिम्मेदारी है। हम लोग यह भी इनको सुरक्षा का तो साथ साथ सुरक्षा का तो हम लोग वातावरण दे ही रहे हैं, साथ ही साथ जो सवारी इनकी टैक्सी में जो बैठ कर के यात्रा करेगी, ट्रैवल करेगी और अपने गंतव्य स्थल तक जाएगी, वो शायद अपने आप को स्वयं सुरक्षित ज़्यादा महसूस करेगी। हम लोग यह भी दिखाना चाह रहे हैं इनके माध्यम से कि जो महिलाएं, इस तरीके की महिलाएं जो इस तरीके का स्वावलंबन के लिए रोज़गार स्वरोजगार कर रही हैं और उनको अगर दिक्कतें आ रही है कहीं पर भी, कोई परेशानी आ रही है समाज से या अन्य चीज़ों से, ऐसे रोज़गार को भी अपना रही है जिसमें पहले पुरुष अपनाते थे, तो ऐसे रोज़गारों में अगर उनको समस्या आ रही है तो हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हमने इनकी टैक्सी पर हम लोग स्टिकर्स लगवाएंगे जो जिसमें पुलिस के सभी नंबर्स होंगे, या कभी भी उन पुलिस के नंबरों पर संपर्क करें और अपने लिए या अपनी सवारी के लिए जो भी सेफ्टी के इश्यूज़ है उससे एड्रेस कर सकती है और हमसे बात करके उनकी सहायता हम लोगों से ले सकती है। हम लोग इसके लिए एक महिला हेल्प डेस्क, आज हम विनीता चौधरी जी को महिला थाना हम दिखाएंगे और लेके जाएंगे। महिला थाने में हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क भी बनाया है, स्थापित किया है, जिसके माध्यम से ऐसी महिलाएं जो इस तरह से स्वरोजगार में रह रही हैं और सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक ये ड्यूटीज़ करती हैं, तो ऐसी महिलाएँ अपने आप को सुरक्षित समझें और यहाँ आराम से अपना रोजगार चला सके, इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग ये काम करने जा रहे हैं और उनके साथ लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो, आरटीओ विभाग हो, अन्य विभाग हो जहाँ से। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।